कि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती है तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखते रहेगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां पर भी जाओ धड़ाधड़ से दोस्तों हम इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं और आपको भी जो मैसेज करेगा इंग्लिश में उसका भी दोस्तों आप धड़ाधड़ से इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं और जो आपका मैसेज करेगा इंग्लिश में उसको आप पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं आपको एक मोबाइल फोन की कैसी सीक्रेट चैटिंग से आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जिसके जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर कहीं पे भी दोस्तों हमारे जो लोग हैं मैसेज करते रहते हैं इंग्लिश के अंदर, और जब भी हमें इंग्लिश में मैसेज आता है तो हम उसका कोई रिप्लाई नहीं देते तो हमारी इंसल्ट होती है। सामने वाला मतलब कि बोलता है कि इसको इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा और हमारी दोस्तों इंसल्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए दोस्तों आप जो है इंग्लिश में मैसेजिंग कर सकते हैं। आप लिखोगे जो हिंदी में, मतलब आपको इंग्लिश तो नहीं आती है ना, आप लिखोगे जो हिंदी में जिस तरीके से अभी व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो तो आप लिखोगे जो हिंदी में पर उसके पास मैसेज जो है इंग्लिश में जाएगा और वो जब आपको इंग्लिश में मैसेज करेगा तो आपके पास आएगा हिंदी में। मतलब कि दोस्तों जिसके साथ में आप चैटिंग करोगे इतनी अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी कि सामने वाला जो भी मतलब कि आपसे बात करेगा वो कहेगा कि इसको इतनी धड़ाधड़ से कैसे इंग्लिश आने लगी सिर्फ एक ही घंटे के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस तरीके से दोस्तों आप भी इंग्लिश के अंदर चैटिंग कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर जो है सब कुछ काम कर सकते हैं और जो भी आपको इंग्लिश में मैसेज करेगा उसको भी दोस्तों आपको वो इंग्लिश में मैसेज करेगा पर आपको हिंदी में दिखेगा और आप आसानी से पढ़ के वापस हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में मैसेज भेज सकते हो। तो अगर आप भी इंग्लिश में मतलब की चैटिंग करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी आप इंग्लिश में चैटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो जो है बार बार नहीं आती है और दोस्तों ये आपके लिए यूजफुल वीडियो होने वाली है क्योंकि बेकार की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो आपके दोस्तों इंसर्ट होती है, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी एक घंटे के अंदर ही दोस्तों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मतलब कि आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब इंग्लिश के अंदर चैटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इंग्लिश में चैटिंग करनी है। तो सबसे पहले गाइस आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि गूगल की एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जी बोर्ड, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्रांसलेट। सबसे पहले जी बोर्ड को ओपन करना है, जो भी कुछ पूछे उसको अलाउ कर देना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जी बोर्ड को ओपन किया और यहाँ पर देखिए सेटअप कर दिया मैंने और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जी बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसको वापस से परमिशन दे देता हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे जब भी मतलब कि आप जो है परमिशन वगैरह दे दोगे तो ऐसा इंटरफेस तो हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको ट्रांसलेट का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको भी जो भी कुछ पूछता है उसको परमिशन दे देनी है। सब कुछ यहाँ पे परमिशन दे दीजिए और फिनिश कर दीजिएगा और बस आपका काम हो गया। अभी गाइज आपको करना क्या पड़ेगा, इतना करने के बाद आपको जो है जाना है अभी सक्सेसफुली जो है अपने व्हाट्सएप के अंदर। ओके, और मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप में आप किस तरीके से इंग्लिश में जो है चैटिंग कर सकते हो। आई मीन गाइज मैं व्हाट्सएप के अंदर आ गया। यहाँ पे देखिए मेरे फ्रेंड ने भेजा है हेलो हाउ, हेलो ब्रो हाउ आर यू। तो मेरे को तो पता नहीं है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश में आप किस तरीके से चैटिंग करोगे सबसे पहले मैं ये बताऊंगा। सबसे पहले जैसे ओपन करोगे तो जी बोर्ड ही ओपन होगा। आपको जो कट का जो बटन दिखा है इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर गूगल का बटन है, आपको गूगल के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर एक बटन आ जाएगा गूगल ट्रांसलेट के जैसा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज, तो सिलेक्ट लैंग्वेज की जगह आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करनी है। ओके, नीचे की तरफ जाओगे तो हिंदी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए हिंदी सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश की जगह आप यहाँ पर जो है इंग्लिश सेलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, मैंने लिखा हेलो भाई, हेलो भाई कैसे हो, हेलो भाई कैसे हो, तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा का हेलो ब्रदर हाउ आर यू, इसके तरीके से आप सेंड कर सकते हो। उसके बाद वापस से आपको कोई मैसेज करना हो तो वापस इसी तरीके से कीजिए, इंग्लिश टू हिंदी आ जाएगी। उसके बाद आप जो है वापस मतलब सॉरी गाइस यहाँ पे हिंदी करनी है तो हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई के कहाँ पर हो, भाई कहाँ पर हो, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि वेयर इज़ द ब्रोदर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंग्लिश के अंदर चैटिंग कर सकते हैं। अब आपके पास कोई मतलब कि चैटिंग आ गई, मतलब मेरे फ्रेंड ने भेजा है हेलो ब्रो हाउ आर यू, तो इसे मैं किस तरीके से हिंदी में करूँगा, तो गूगल के बटन में वापस से क्लिक करके और जो जी बोर्ड का बटन है इस मतलब जो ट्रांसलेट का बटन है इस पर क्लिक करके बीच वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ पर चेंज कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो मैसेज है उसको यहाँ पर टाइप कर देना और टाइप करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा मतलब कि हेलो ब्रोदर हाउ आर यू, तो मैं इसको वापस इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो है इंग्लिश में आ गया, मतलब हिंदी में आ गया कि हेलो ब्रो आप कैसे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंग्लिश के मैसेज हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और हिंदी के मैसेज इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कहीं पे भी दोस्तों जो है इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं और सामने वाले को बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है क्योंकि बहुत ही यूजफुल लाइफ टू लाइफ में काम आने वाली, डेली टू डेली लाइफ के अंदर काम आने वाली चीज मैंने आपको बताई है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इंग्लिश नहीं आती। इंडिया की पॉपुलेशन में से काफी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो प्लीज यार वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।